जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये चैप्टर वन में हमारे पास एक टॉपिक है फ्लो चार्ट, उस पर आज हम थोड़ा बात करेंगे। एल्गोरिदम पे हमने सेकंड लेक्चर में बात की थी, एक एल्गोरिदम हमने डिज़ाइन भी किया था, थोड़ा उसको रिकॉल कर लें। एल्गोरिदम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रिटन इन ह्यूमन लैंग्वेज। फर्स्ट एल्गोरिदम हमने जो डिज़ाइन किया था वो ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ चैप्टर वन से। आज उसी एल्गोरिदम का हम फ्लो चार्ट डिज़ाइन करेंगे। नाउ ये फ्लो चार्ट क्या होता है जी? ये उन्हीं स्टेप हमने एक चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। फ्लो चार्ट यानी एक ऐसा चार्ट जो आपको आपके स्टेप्स के दरमियान फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा, बहाव को रिप्रेजेंट करेगा कि पहले कौन सा स्टेप होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पहले कौन सा स्टेप लेंगे, देन उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, एंड अप टू सो ऑन। फर्स्ट एल्गोरिदम, दिस वाज द फर्स्ट एल्गोरिदम, प्रॉब्लम वन, फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ फाइव गिवन नंबर्स। तो ये हमारा प्रॉब्लम था, हमने कहा था कि ये प्रॉब्लम है। अल्टीमेटली इस प्रॉब्लम को हमने कंप्यूटर पे सॉल्व करना है चैप्टर टू पे जाकर, अभी हम उसको स्टार्ट नहीं करेंगे। तो कंप्यूटर पे काम करने से पहले हमें उसका पेपर वर्क करना है। पेपर वर्क करने के लिए एक टूल हमने एल्गोरिदम का डिस्कस किया था, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर डिज़ाइन करते हैं। ये बेसिकली ये प्रोसीजर हमारा पेपर वर्क है जो हमें बताएगा कि फर्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, देन ये करेंगे और एंड पे हम ये काम करेंगे। तो ये एल्गोरिदम हमें क्या बता रहा है जो हमने डिज़ाइन किया, कि हमें पहले तो फाइव नंबर्स चाहिए होंगे। लेट द फाइव नंबर्स बी ए टू बी फाइव सी एट डी फोर एंड ई ट्वेल्व, कोई सी वैल्यूज़ ले लें आप, यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है। टू की जगह टेन ले लें, वेरिएबल्स भी अपनी मर्जी से ले लें। जस्ट इन फर्स्ट स्टेप आपने यहाँ पे बताना है, आप बता ये रहे हैं कि हमारे पास फाइव वैल्यूज़ होनी चाहिए। देन स्टेप टू, ये कीवर्ड्स आप एज इट इज़ लिखेंगे एल्गोरिदम लिखते वक्त। स्टेप टू आप लिखेंगे फाइंड, कि जब फाइंड करो द सम, सम को, और ब्रैकेट में ये जो वेरिएबल आपने मेंशन किया, इसका मतलब है कि वो सम फाइंड करके इन पांच वैल्यूज़ का आपने इस वेरिएबल में रखना है। ओके, देन फिर इसी काम को जो आपने स्टेटमेंट में बताया, इसको मैथमेटिकली आपने रिप्रेजेंट करना है। सम इक्वल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब स्टेप टू ये बता रहा है कि इन फाइव वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है और रिजल्ट सम में आ जाएगा। स्टेप थ्री, फाइंड द प्रोडक्ट और रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन प्रॉड। प्रॉड वेरिएबल नेम है, आप यहाँ पे पी भी ले सकते थे, डजेंट मैटर। प्रॉड इक्वल ए इंटू बी इंटू सी, यानी ये स्टेप हमें बता रहा है थर्ड स्टेप कि अब हमने इन फाइव वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना होगा। फिर फाइंड द एवरेज, सम को हम डिवाइड कर देंगे फाइव पे, एवरेज आ जाएगी। फिर लास्ट स्टेप हमें ये बता रहा है कि हमने इन तीनों रिजल्ट्स को, जो कि रिस्पेक्टिवली सम, प्रॉड और ए बी जी में पड़े हैं, उसको हमने प्रिंट करा देना है। प्रिंट कराने के लिए एल्गोरिदम की लैंग्वेज में हम कीवर्ड यूज़ करेंगे आउटपुट, आउटपुट सम प्रॉड एवरेज ए बी जी, एंड लास्ट स्टेप ऑफ द एल्गोरिदम विल बी स्टॉप। अच्छा, एक बात ज़रा समझें, पहला स्टेप पेपर में क्या आएगा, आपको क्या करना होगा, इसको भी साथ लेके चलना है आपने ना। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दी जाएगी इस चैप्टर के हवाले से, अगर हम बात करें, ये स्टेटमेंट गिवन होगी और आपने जनाब ये एल्गोरिदम ये सारा लिखना होगा। कोई रट्टा वगैरह लगा रहे कि इसमें ज़रूरत नहीं है, स्टेटमेंट को गौर से पढ़ेंगे आप और उसमें से आपको पता चलेगा कि आपके पास इनपुट क्या है, फाइव नंबर्स, आउटपुट क्या चाहिए, सम प्रोडक्ट एंड एवरेज, और प्रोसेस क्या करना है। साफ ज़ाहिर है, सम के लिए हमने ऐड करना है, प्रोडक्ट के लिए हमने मल्टीप्लाई करना है, एवरेज के लिए हमने सम को फाइव पे डिवाइड करना है। तो बच्चे यहाँ पे आपने एल्गोरिदम लिखना शुरू कर देना है। स्टेप वन, कोई भी एल्गोरिदम जो है इस बुक में, हर एल्गोरिदम का स्टाइल सेम है। स्टेप वन स्टार्ट है और लास्ट स्टेप जो भी होगा वो स्टॉप होगा, ये तो ज़रा समझ लेना, स्टार्ट और स्टॉप ये तो हर एल्गोरिदम में आएगा। फिर आपने देखना है कि इनपुट क्या है, वो हमने मेंशन कर दी। फिर हमने स्टेप टू से ऑनवर्ड एक एक स्टेप में एक एक प्रोसेस कंप्लीट किया, सम फाइंड किया, प्रॉड, एवरेज, ओके, देन फिर आपने उन तीनों रिजल्ट्स को प्रिंट कराना है और स्टॉप कर देना। तो होप सो ये एल्गोरिदम ये आपको लिखना आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको पहले बेशक देख के लिखें, एक दफ़ा तैयार करें प्रॉब्लम को सामने रख के, देन फिर इसको खुद से लिख के देखें। अब देखें ना, यहीं पे अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं स्टेटमेंट में कह दूं फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ सिक्स गिवन नंबर्स,
तो भाई कहाँ पे चेंज आएगा, एक वैल्यू और ले लेंगे हम, ए टू बी फाइव सी ए डी फोर ई ट्वेल्व, एक वेरिएबल आप यहाँ पे ले लें एफ लेट से इक्वल 13, और वहाँ पे प्लस एफ हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई एफ हो जाएगा, और यहाँ पे सम डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। तो इस हर एल्गोरिदम से, हर प्रॉब्लम से मिलते जुलते दो तीन प्रॉब्लम्स आपकी बुक से हट के इंशाल्लाह वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। तो होप सो कि आप इस प्रॉब्लम का ये एल्गोरिदम आप लिख लेंगे इंशाल्लाह। अब बच्चे इसी एल्गोरिदम को, इन्हीं स्टेप्स को हमने डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। दिस इज सेकेंड मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डैट डायग्राम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। यही स्टेप्स हैं, यही तरतीब है, इसी को हमने एक और अंदाज में रिप्रेजेंट करना है। वो अंदाज जो है, वो रिप्रेजेंटेशन जो है, जो चार्ट की फॉर्म में होगी, उसको हम फ्लो चार्ट कहेंगे। ऐसा चार्ट जिसमें हम सिंबल्स को यूज करेंगे। अच्छा, फिर वो उसको फ्लो चार्ट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो चार्ट हमें हमारे इन स्टेप्स के फ्लो को, तरतीब को, बहाव को रिप्रेजेंट करेगा। तो बिल्कुल इसी प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट जरा आप देखिएगा, ये प्रॉब्लम था। ये मैं आ जाता हूँ जी इसके फ्लो चार्ट वाले टॉपिक पे। बेसिकली बुक में पहले एल्गोरिदम्स हैं सारे, फिर उन तमाम एल्गोरिदम्स के फ्लो चार्ट्स हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह से लेके चलूंगा कि एक एल्गोरिदम जब हम डिस्कस करेंगे उसी का फ्लो चार्ट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर दूसरा एल्गोरिदम उसी का फ्लो चार्ट, जो जो एल्गोरिदम डिस्कस होता जाएगा उसका फ्लो चार्ट भी साथ साथ चलता जाएगा, ठीक है, बजाय इसके कि हम फ्लो चार्ट वाला टॉपिक अलहदा से पढ़ें, तो इसको हम साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। यू विल फील बेटर, और ये आपकी प्रैक्टिस जब होगी तो ये बड़ा ईजी चैप्टर है, बल्कि पूरी बुक ही ईजी है। तो मेरा बच्चा ये फ्लो चार्ट की डेफिनेशन वगैरह तो हम बाद में पढ़ते रहेंगे, इसको छोड़ दें, पहले आप सीधा जंप करें ये सिंबल्स पे। तो ये जो सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन सिंबल्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं और फिर एक फ्लो चार्ट, वो पहले एल्गोरिदम का फ्लो चार्ट डिज़ाइन करके देखते हैं। फ्लो चार्ट में ये जो सिंबल है ना, स्टार्ट स्टॉप, इसके लिए ये हम ओवल शेप सिंबल यूज़ करेंगे। पहले मैं ये सिंबल्स इंट्रोड्यूस करवा दूँ, देन फिर मैं एक फ्लो चार्ट आपको समझाता हूँ, फिर उसी फ्लो चार्ट को इंशाल्लाह हम यहाँ पे ऑनलाइन, एक मेरे पास टूल है, इस टूल में यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में डिज़ाइन करके देखते हैं, ठीक है, देन फिर आप उसको कॉपी पे डिज़ाइन करें। ये बच्चे आपके पास जो स्टार्ट और स्टॉप है, इसके लिए हम ओवल सिंबल यूज़ करेंगे। अच्छा, फ्लो चार्ट का भी स्टार्ट होगा और स्टॉप होगा, हर फ्लो चार्ट को हम स्टार्ट भी करेंगे और स्टॉप भी करेंगे, दोनों के लिए सेम सिंबल है। अच्छा, जहाँ पर हमें इनपुट लेना होगी, ठीक है ना, जैसे पहले एल्गोरिदम में हमने 5 वैल्यूज ली थी इनपुट के तौर पे, वो इनपुट हम यहाँ पे इस सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज इनपुट आउटपुट सिंबल, पैरेललोग्राम, ठीक है, इनपुट के लिए भी रिप्रेजेंट यूज होगा, आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यही सिंबल यूज होगा। स्टार्ट स्टॉप ओवल, ये पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट, और एक ये सिंबल है प्रोसेस सिंबल। अच्छा, अभी फ़िलहाल मैं ये इस डिसीजन सिंबल को डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि अभी ये हमने यूज़ नहीं करना। जहाँ पे जो यूज़ करेंगे सिंबल, जिस सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी वहीं पे उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के इस टॉपिक में स्टार्ट स्टॉप ये सिंबल यूज़ होगा, इनपुट आउटपुट ये सिंबल यूज़ होगा, प्रोसेस सिंबल रेक्टेंगल बॉक्स ये कहाँ पर यूज़ करेंगे, जहाँ पर हमने कोई मैथमेटिकल प्रोसेस रिप्रेजेंट करना हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन रिप्रेजेंट करना हो, जैसे सम करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। फ्लो लाइन जो होती है ना, ये बच्चे आपके डिफरेंट सिंबल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगी और बताएगी कि इस सिंबल से आपने इस सिंबल पे मूव करना है। चलें अब चलते हैं, मेरे साथ रहिएगा। फ्लो लाइन, स्टार्ट स्टॉप, इनपुट आउटपुट और प्रोसेस, इन सिंबल को यूज़ करते हुए हम पहला फ्लो चार्ट इंशाल्लाह भी डिज़ाइन करेंगे। ये वही फ्लो चार्ट है, प्रॉब्लम वही है जो ऊपर हमने डिस्कस किया एल्गोरिदम के हवाले से। देखिए सेम प्रॉब्लम है, फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। ओके, वही स्टेप्स, पहले हम स्टार्ट करेंगे एल्गोरिदम को जैसे हमने स्टार्ट किया था। स्टार्ट वर्ड, की वर्ड हम किस में लिखेंगे, इस ओवल सिंबल में। देन फिर हम इनपुट लेंगे, इनपुट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ये पैरेललोग्राम, ठीक है, ये आप बनाएंगे अपनी कॉपी पे, उसमें लिख देंगे इनपुट ए बी सी डी ई। अच्छा, यहाँ पे अब आप ना इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए इक्वल 5, बी इक्वल 3, सी इक्वल 10 ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ना लेना चाहें तो भी ठीक है,
इसको मैं मज़ीद फर्दर भी एक्सप्लेन करूँगा, फ़िलहाल आप इसको समझ लेंगे। इनपुट ले ली हमने, फिर उसके बाद जनाब आपके पास ये एक प्रोसेस सिंबल लगा दिया, रेक्टेंगल सिंबल। तीनों प्रोसेसेस, वो सम वाला, प्रॉड वाला, एवरेज वाला, हमने इसी बॉक्स में लिख दिए। अगेन यहाँ पे एक और बात समझ लें कि आप हर एक सेपरेट प्रोसेस के लिए सेपरेट रेक्टेंगल बॉक्स भी लगा सकती हैं, वो भी अभी फ़िलहाल हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमने एक ही रेक्टेंगल बॉक्स में तीनों प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, फिर उसके बाद जब रिजल्ट्स आ गए, तो भाई जब रिजल्ट्स आ जाते हैं तो हमने उनको प्रिंट कराना होता है, उसके लिए हमने आउटपुट कीवर्ड यूज़ किया, और ये आउटपुट सिंबल भी सेम है जैसे इनपुट सिंबल है। इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम हमने देखा था, प्रोसेसिंग के लिए आपका रेक्टेंगल बॉक्स है, स्टार्ट और स्टॉप के लिए हमारे पास ओवल सिंबल है। तो अब आउटपुट बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, आउटपुट किसको आउटपुट करना है, सम को, प्रॉड को, एवरेज को। ये जनाब आपके पास एक फ्लो चार्ट डिज़ाइन हो गया उसी प्रॉब्लम का जिसका हमने एल्गोरिदम डिज़ाइन किया था। एल्गोरिदम और इसमें डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा, एल्गोरिदम में हम इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखते हैं, इसमें उन्हीं स्टेप्स को हमने डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट कर दिया, सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये फ्लो चार्ट बन गया। अब ये फ्लो चार्ट सेम मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन टूल है एक, वहाँ पे डिज़ाइन करके दिखाता हूँ, फिर आपने इसको अपनी कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये इस ऑनलाइन टूल में हमने ये स्टार्ट सिंबल पिक किया, क्लिक किया, यहाँ पे ले आए, दिस इज़ अवर स्टार्ट सिंबल। इसको थोड़ा आप इनलार्ज भी कर सकते हैं। स्टार्ट के बाद देखें क्या है जी हमारे पास, ये पैरेललोग्राम है, ये है पैरेललोग्राम, इनपुट आउटपुट देखना नज़र आ रहा है साथ। क्लिक करें, ड्रैग करें, यहाँ पे ले आए, और इसको थोड़ा सा आप इनलार्ज कर लें। इसके अंदर आके अब आप यहाँ पे डबल क्लिक करें इस बॉक्स में, और यहाँ पे आप इसको इनलार्ज किया जी, यहाँ पे बिल्कुल क्लिक किया, यहाँ पे अब हम इनपुट रिप्रेजेंट करेंगे। देख लेते हैं जी इनपुट क्या है हमारे पास, इनपुट ए बी सी डी ई। ओके, इनपुट ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5 वैल्यूज, 5 6 होती तो हम एक और ले लेते हैं, फिलहाल 5 वैल्यूज इनपुट आ गई। इसको बेशक थोड़ा सा ऊपर ले जाए यहाँ पे, देन अब देखें इनपुट लेने के बाद हमने क्या करना है, प्रोसेस करने है। ओके, इसके लिए हम ये प्रोसेस बॉक्स, ये आपके पास जो रेक्टेंगल बॉक्स है, ये लगाएंगे, और इसमें हम वो तमाम प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे डेट इज कौन कौन सा जी, सम इक्वल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ओके, प्रॉड इक्वल ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी डी और ई, और एवरेज इक्वल सम को डिवाइड कर दिया हमने 5 पे। ले बच्चे, ये आपके पास प्रोसेस कंप्लीट हो गया। प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद वो बीच में हम अभी लगाएंगे, लाइंस कनेक्ट करेंगे, फ्लो लाइंस। इसके बाद क्या करना है, बस जिसके बाद हमने आउटपुट दे देनी है, वही इनपुट आउटपुट सिंबल। इसमें हमारे पास क्या होगा, हेयर हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, यानी आउटपुट करा देंगे। किस किस चीज़ को आउटपुट कराना है, जितने भी रिजल्ट्स हैं, कौन कौन से, सम, प्रॉड, देखना कॉमा, प्रॉड कॉमा एवरेज। देखें आपके सामने एक फ्लो चार्ट डिज़ाइन हो गया। अब यहाँ पे एंड पे हमने इसको स्टॉप करना है, तो उसके लिए हम स्टॉप सिंबल, स्टार्ट और स्टॉप का सिंबल सेम है, उसमें वर्डिंग हमारी डिफरेंट हो। ये देखें जी, इसमें हम इसको डेफिनेटली स्टॉप कर देंगे। नाउ अब आप साथ साथ भी फ्लो लाइंस लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, साथ साथ लगाएं ज़्यादा बेहतर है। ये लें जी, ये करेक्ट किया, और यहाँ से हम इसको फ्लो लाइन को रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, ये फ्लो लाइन लग गई, ये फ्लो लाइन बता रही है कि स्टार्ट से आपने इस स्टेज पे आना है, इस स्टेप पे आना है, इनपुट लेनी है। अच्छा, इनपुट के बाद क्या करना है, ये अब यहाँ से एक फ्लो लाइन जो है हमारी डेफिनेटली इसके साथ कनेक्ट होगी, और इसको हम लेट से ये इनपुट के बाद हमने, ये फ्लो लाइन बता रही है कि इनपुट लेने के बाद आपने प्रोसेस करने, और प्रोसेस क्या करना है वो आपके सामने है। फिर इसके बाद प्रोसेसिंग के बाद हमने डेफिनेटली क्या करना है देखते हैं जी, फिर हमने आउटपुट देनी है।
ओके आउटपुट आ गई, और आउटपुट के बाद हमने फ्लो लाइन की मदद से अपने स्टॉप सिंबल पे आना है, मीन के नाउ वी हैव टू स्टॉप द फ्लो चार्ट, दिस इज फ्लो चार्ट। स्टार्ट किया, इनपुट ली 5 वैल्यूज, प्रोसेस किया, सम प्रॉड एवरेज फाइंड की, और उस उन रिजल्ट्स को हमने प्रिंट करा दिया और उसके बाद स्टॉप कर दिया। तो याद जो आपने रखना है अभी कि स्टार्ट और स्टॉप हर फ्लो चार्ट के लिए यही रूल होगा, स्टार्ट करना पड़ेगा आपको हर फ्लो चार्ट, स्टॉप भी करना पड़ेगा। एक बात तो ये कॉमन होगी, ठीक है जी, एक बात तो ये आसान होगी कि हर फ्लो चार्ट में ये दो काम तो होने ही, फ्लो चार्ट ने स्टार्ट होने और स्टॉप होने, और स्टार्ट स्टॉप के लिए हमने देख लिया कि सिंबल जो यूज होगा डेट इज दिस ओवल सिंबल। फिर इनपुट और आउटपुट के लिए भी सेम सिंबल है, पैरेललोग्राम। इनपुट ली तो 5 वैल्यूज लेनी है, 5 ले लें, 4 लेनी है 4 ले लें, जो स्टेटमेंट में गिवन है। फिर प्रोसेसिंग, स्टेटमेंट में जो कहा गया वो काम करेंगे आप, अभी हम पहले एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन फिर उन रिजल्ट्स को हमने प्रिंट करा दिया, आउटपुट सिंबल भी सेम है इनपुट की तरह, और ये एंड पे हमने इसको स्टॉप कर दिया जी। बच्चे होप्स हो कि आपको ये एल्गोरिथम फ्लो चार्ट बिल्कुल समझ आया होगा। अब आप इस काबिल हो गई हैं कि पहला जो प्रॉब्लम है ना हमारी बुक का, फर्स्ट प्रॉब्लम, उसका एल्गोरिथम और उसका फ्लो चार्ट, ये आपको बच्चे आना चाहिए, ठीक है। इसको आपने अपनी कॉपी पे भी नोट करना है, मीन आपकी बुक में जो प्रॉब्लम वन है, दिस इज योर प्रॉब्लम वन, इसका एल्गोरिथम आपने नोट करना है, ये वाला एल्गोरिथम, और फिर इसी प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट जो मैंने अभी आपको समझाया, हम इसी तरह इस चैप्टर को लेकर चलेंगे, जो एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे उसी का फ्लो चार्ट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब आपको अगर टेस्ट में दे दिया जाए कि जी डिजाइन द फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, डेफिनेटली ये डिजाइन करना आना चाहिए। और अगर कहा जाए राइट डाउन द एल्गोरिथम टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, तो एल्गोरिथम भी आपको डिजाइन करना आना चाहिए। ये दोनों आपने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट अपने कॉपी पे नोट कर लेने हैं। हम इस चैप्टर को भी ब्रेक करके डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, कंसेप्चुअली लॉजिकली हम प्रोसीड करेंगे, जितने भी एल्गोरिथम्स हैं हम उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। 13 एल्गोरिथम्स हैं और उन्हीं 13 एल्गोरिथम्स के फ्लो चार्ट्स हैं, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। अच्छा, एक दो एल्गोरिथम्स और समझाने के बाद इंशाल्लाह, ये तो पेपर वर्क है ना हमारा, फिर हम एक दो लेक्चर्स करेंगे प्रोग्रामिंग पे, मीन चैप्टर 2 में आपको चैप्टर 1 के साथ इन पैरेलल स्टार्ट करवाऊंगा। फिर हम ये किया करेंगे कि एक प्रॉब्लम लिया करेंगे, उस प्रॉब्लम का एल्गोरिथम लिखना सीखेंगे पेपर वर्क, फिर उसी प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे, डेट इज ऑल्सो पेपर वर्क, फिर उसी प्रॉब्लम को के लिए प्रोग्राम डिजाइन करेंगे कंप्यूटर पे इंशाल्लाह, और उस प्रोग्राम को रन करके कंप्यूटर से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना सीखेंगे। तो ये इस तरह से हमारा फ्लो चलेगा, जो एल्गोरिथम डिस्कस होगा उसी का फ्लो चार्ट डिस्कस होगा, उसी का प्रोग्राम डिस्कस होगा। अच्छा, अब आपके माइंड में ये बात भी हो सकती है कि एक प्रॉब्लम जो हमें गिवन है हम उसको डायरेक्टली कंप्यूटर पे बैठ के सॉल्व क्यों नहीं कर रहे, कर सकते हैं नो डाउट, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, या आई थिंक दूसरे लेक्चर में हमने बात की थी कि कंप्यूटर पे बैठ के कोई भी काम करने से पहले आपको उसका पेपर वर्क करना है, ताकि वो स्टेप्स आपको क्लैरिफाई हो जाएं कि आपने कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने हैं और किस तरतीब से करने हैं। तो उस पेपर वर्क के लिए हम ये दो टूल्स पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। थोड़ा सा बातें क्लियर कर लें। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये भी कर सकते हैं और करते हैं स्टूडेंट्स और प्रोग्रामर्स, उनको प्रॉब्लम दिया जाता है तो वो उसका सिर्फ एल्गोरिदम लिख लेते हैं और उसके बाद कंप्यूटर पे बैठ के उसको डिज़ाइन करते हैं। कुछ ये करते हैं कि एल्गोरिदम भी लिखते हैं, फ्लो चार्ट भी डिज़ाइन करते हैं, कुछ सिर्फ फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर लेते हैं। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बात एक ही है, स्टाइल में डिफरेंस है। एल्गोरिदम में स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हैं, आप इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स के थ्रू उन स्टेप्स को लिख रहे हैं, फ्लो चार्ट में उन्हीं स्टेप्स को आप सिंबॉलिक नोटेशंस की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चॉइस आप पे है, एज अ प्रोग्रामर आप चाहें तो आप बेशक ना एल्गोरिदम डिज़ाइन करें ना फ्लो चार्ट डिज़ाइन करें, डायरेक्ट कंप्यूटर पे प्रोग्राम डिज़ाइन कर लें। अगर आप चाहते हैं पहले एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लें देन उसका फ्लो चार्ट डिज़ाइन करें,
प्रोग्राम डिजाइन करना या सिर्फ एल्गोरिथम डिजाइन करके प्रोग्राम डिजाइन कर लें। अब इस चैप्टर को डिस्कस करने का पर्पस ये है कि आपकी फाउंडेशन क्लियर हो जाएं, आपको स्टेप्स का पता चले कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स किस तरह से लिखे जाते हैं, कौन कौन से स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व हैं। अगेन दिस इज पेपर वर्क, बिल्कुल डेफिनेटली पेपर में क्वेश्चन आता है, एल्गोरिथम लिखने के लिए आ जाता है, फ्लो चार्ट डिजाइन करने के लिए आ जाता है, तो इसलिए भी आपको ये अच्छी तरह आना चाहिए, एल्गोरिथम डिजाइन करना आना चाहिए, फ्लो चार्ट डिजाइन करना आना चाहिए। बट आगे इन फ्यूचर जब आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे, देन मैं बता रहा हूँ कि उस वक्त बाज़ औकात हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट डिज़ाइन नहीं करते, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के लिए हम ये तरदुद नहीं करते, डायरेक्ट फिर हम प्रोग्राम डिज़ाइन कर लेते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज पे आपको एल्गोरिथम डिज़ाइन करने आने चाहिए, ठीक है। और इस चैप्टर की भी ये डिमांड है कि आपको एल्गोरिथम लिखना आए, आपको फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना आए, ठीक है, पेपर में भी ये डिमांड है, क्वेश्चन आता है, ठीक है, साथ साथ इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे। फिर जब आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आप मज़ीद इंजॉय करेंगे, क्योंकि फिर हम एक प्रॉब्लम को लिया करेंगे आपके चैप्टर वन से, उसका एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, आपको स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे, उसी का फ्लो चार्ट डिज़ाइन करेंगे, मज़ीद क्लियर हो जाएगा, फिर उसी प्रॉब्लम को हम प्रोग्राम की शक्ल देंगे, उसका प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे कंप्यूटर, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, इसको तवज्जो से आपने देखना है जी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अब अपना पेस थोड़ा बढ़ाएंगे, हम एटलीस्ट 2 or 3 एल्गोरिदम्स, 2 or 3 एल्गोरिदम्स, ठीक है, और फिर उन्हीं के फ्लो चार्ट्स भी डिस्कस करेंगे। जो सिंपल और इजी एल्गोरिदम्स हैं पहले उनको मैं आपसे शेयर करूँगा, वो आपके तैयार प्रिपेयर करवाऊँगा, फिर थोड़े से जो लिटिल बिट डिफ़िकल्ट हैं उनको बाद में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है जी। तो ये जो पहला चैप्टर है हमारा, ये होप सो विद इन 2 weeks हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे इंशाल्लाह, और देन फिर इसके साथ साथ प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट कर दें, ठीक है। लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे वो थोड़ा सा लेंथी भी होंगे, 40-50 मिनट का लेक्चर हो सकता है, और आपके पास बच्चे ये देखें वीक में 2 दिन लेक्चर आपको डिलीवर होगा, तो बीच में आपके पास टाइम होगा, तो आप बेशक इस लेक्चर को हाफ हाफ करके सुन लें, प्रिपेयर कर लें, ठीक है, वो भी पॉसिबल है। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।